ओके, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जस्ट टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट द डिफरेंट लेंथ स्केल। सो अभी तक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसके लिए हमारे पास सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें लेंथ, जो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, तो जिसका बेसिक यूनिट हम मीटर बोलते हैं, तो अगर हम बात करें कि क्या लेंथ स्केल हो सकती है हम इस यूनिवर्स में अगर हम देखें, तो यहाँ जो स्केल है वो मीटर्स में दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिवर्स, यूनिवर्स की एक ऑब्जर्वेबल लेंथ कितनी हो सकती है, सो दैट इज 10^27 मीटर्स। उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी का 10^21। अगर हम अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये है 10^11 मीटर्स के ऑर्डर की। ह्यूमन और टेनिस बॉल जो हम अगर हिट करें तो वो किसका कितना ऑर्डर हो सकता है, इट्स अराउंड 1 मीटर। हम अपने रेड ब्लड ब्लड सेल्स की बात करें तो उनकी लेंथ या डायमीटर कितना हो सकता है, तो ये होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-6। 10^-6 को हम बोल सकते हैं माइक्रोमीटर। ओके, सो 1 माइक्रोमीटर, सो माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। अगर हम एटम की बात करें तो एक एटम जो होता है उसका साइज होता है 10^-10 मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो एक न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो होता है 10^-15 मीटर। तो एक आइडिया देखो कि साइज यूनिवर्स में कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है। 10^-15 मीटर टू यूनिवर्स की अगर बात करें तो 10^27 मीटर, कितना ह्यूज डिफरेंस है एक सबसे छोटी से छोटी चीज़ और सबसे बड़ी से बड़ी चीज़। ये हमारी लेंथ स्केल है। तो हम जब डिफरेंट लेंथ स्केल की बात करते हैं तो अगर हम इनका मेजरमेंट करें तो कैसे करना होगा हमें मेजरमेंट, वो हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मिलीमीटर स्केल रेंज की बात करें, ये जो स्केल है वो है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये जो स्केल है वो सेंटीमीटर स्केल है। ठीक है, तो यहाँ कितने नंबर है, 15 सेंटीमीटर। अगर हम देखें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मार्क के बीच, मतलब ये कितना 0 to 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच कितने हैं, 10 मार्क्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मार्क्स हैं। डैट मीन्स एक मार्क जो है वो यहाँ सजेस्ट कर रहा है 1 मिलीमीटर। ओके, मिनिमम, तो मिनिमम हम इस स्केल से कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। जस्ट टू मेक इट क्लियर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ओके, तो हम इस सेंटीमीटर स्केल से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमें मान लो कुछ मीटर्स मेजर करने हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, तो हम एक मेजरिंग टेप ले सकते हैं, इससे हम मेजर कर सकते हैं इजीली, राइट। तो हमें जो मीटर स्केल पे चीज़ें हैं वो हम सिंपली स्केल, मेजरिंग टेप, इन चीज़ों से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें टेबल की ये लेंथ मेजर करनी है तो हम मेजरिंग टेप से इसको मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या अगर हमारे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ या जिसका साइज जो है वो मिलीमीटर से भी छोटा है, 1 मिलीमीटर से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर। ओके, बिकॉज यू सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क इज 1 मिलीमीटर। अगर हम इससे भी छोटे साइज की ऑब्जेक्ट हो, वो क्या ऑब्जेक्ट हो सकती हैं और हम उनको कैसे मेजर करेंगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर तक, तो 1 मिलीमीटर अगर हम इस स्केल से मेजर करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करें टू मेजर लाइक 1 मिलीमीटर और अराउंड दिस, सो वो मच बेटर एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी ऑब्जेक्ट का जिनकी जो साइज है वो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर रेंज में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ह्यूमन हेयर की, ठीक है, तो ह्यूमन हेयर की अगर जो थिकनेस है वो इस रेंज में होती है 0.04 to 0.08 मिलीमीटर, तो एक 1 मिलीमीटर से भी छोटा है, तो हम एक नॉर्मल स्केल से तो इसको मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अराउंड 0.04 मिलीमीटर, 10^-2 मिलीमीटर। अगर हम नॉर्मल पेपर की बात करें, ये पेपर, तो इसका जो थिकनेस है वो कितना है, ये रेंज करता है 0.05 to 0.1 मिलीमीटर, तो इसको भी स्केल से मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। जो हम घरों में डोमेस्टिक यूज के लिए एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं, उसका भी थिकनेस कितना है, 0.01 मिलीमीटर की रेंज में, तो ये भी हम एक स्केल से, जो अभी हमने स्केल देखा था सेंटीमीटर स्केल, उससे मेजर करना तो डिफ़िकल्ट है। तो इनकी अगर थिकनेस हमें मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल पेपर और एल्युमिनियम फॉयल, सो इसकी थिकनेस हम इजीली मेजर कर सकते हैं माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज से। यहाँ पे इसको फंसाओ और इसको स्क्रू को टाइट करने के बाद यू कैन रीड द रीडिंग्स ऑन दिस मेन स्केल, एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कैन बी गेट फ्रॉम द हाउ मैनी मार्क्स यू हैव इन द वन राउंड। तो कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं, क्या करते हैं, ये हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर इनकी थिकनेस मेजर करनी है, देन यू कैन ईजिली मेजर इट फ्रॉम द माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज से। ठीक है, हेयर की भी थिकनेस इससे मेजर की जा सकती है, बट एक्यूरेसी जो होगी वो बहुत कम होगी। तो इसके लिए अगर हम हेयर की थिकनेस मेजर करनी है, तो हम एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसको इजीली थिकनेस मेजर कर सकते हैं। तो ये तो टूल्स ये हैं जो हमें मिलीमीटर या सब मिलीमीटर रेंज में जो हमारे साइज की ऑब्जेक्ट हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। अभी क्या होगा जब ये सब मिलीमीटर रेंज से भी नीचे की पतली या थिन ऑब्जेक्ट होंगी, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले देखने की क्या क्या है, तो इस टाइम अगर हम बात करें कि वो ऑब्जेक्ट जिनका साइज जो है वो माइक्रोमीटर साइज का है, माइक्रोमीटर साइज का मतलब है कि 1 मीटर में होते हैं 10^-6 माइक्रोमीटर, ओके, सॉरी 10^+6 माइक्रोमीटर। हम अगर एक माइक्रोमीटर की बात करें, सो दैट इज 10^-6 मीटर, ओके, सो 1 माइक्रोमीटर में 10^-6 मीटर होते हैं। अब हम बात करें अगर इन ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको आरबीसी बोलते हैं, इनके अगर रेड ब्लड सेल्स की अगर डायमीटर की बात करोगे, सो दिस इज अराउंड 8 माइक्रोमीटर। 8 माइक्रोमीटर मीन्स अराउंड दिस इज 8 × 10^-6 मीटर, इतनी थिकनेस की है, मतलब 1000 1/1000 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर, इतना छोटा है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया का जो साइज है या लेंथ है वो कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। अगर हम जो हमारे मोबाइल में कंपोनेंट्स आते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, उसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उनमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं, उनके ट्रांजिस्टर्स की भी साइज जो होती है वो माइक्रोमीटर साइज में हो सकता है, नैनोमीटर साइज में भी हो सकते हैं। तो ये माइक्रोमीटर नैनोमीटर साइज में भी ये कंपोनेंट्स जा सकते हैं। तो ये भी देखो इनका जो साइज है वो माइक्रोमीटर साइज है। तो जब हमारा माइक्रोमीटर साइज रेंज का जब हमारा साइज होता है, तो एक तो टूल है हम उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से मेजर कर सकते हैं उसकी लेंथ, थिकनेस और साइज। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जो मिनिमम जो है अराउंड 2 × 10^-7 मीटर तक ही मेजर कर सकता है। ठीक है, अगर इसके नीचे मेजर करना है
देन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मेजर अप टू दिस मच. सो रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रोमीटर रेंज के अगर हमारे कंपोनेंट हैं आईसी में, जो मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में हैं, तो उसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसका साइज मेजर कर सकते हैं. अब फिर आगे चलते हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज माइक्रोमीटर से भी कम है, नैनोमीटर स्केल का है, तब हम क्या करेंगे? तो वो पहली बात तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका साइज नैनोमीटर रेंज में हो सकता है और उनको कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए हमें, फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें एटम का साइज, तो एटम का साइज जो है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है. 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10^-10 मीटर. ठीक है, उल्टा करें अगर 1 मीटर में 10^10 एंगस्ट्रॉम होंगे, तो एक एटम का साइज जो होता है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है. अगर हम वायरस देखें, वायरसेस का क्या साइज होता है, तो वायरस का साइज जो है वो लगभग 20-100 नैनोमीटर साइज के होते हैं. ठीक है, तो एक नैनोमीटर साइज के हैं. फिर बात कर रहे हैं कि आईसी कंपोनेंट, आईसी कंपोनेंट में फिर देखो कुछ 100 नैनोमीटर साइज के कंपोनेंट मिल जाएंगे. ओके, तो ये सब जो है वो नैनोमीटर रेंज में कंपोनेंट आते हैं. अभी हमने देखा था कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम कितना मेजर कर सकते हैं, अप टू 2×10^-7 मीटर, राइट? नैनोमीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10^-9 मीटर. अभी क्या है, हम इस रेंज से भी नीचे पहुंच गए, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो काम करेगा नहीं. तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो नैनोमीटर रेंज तक मेजर कर सकता है. फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और TEM, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अप टू दिस साइज मेजर कर सकते हैं. ठीक है, 10^-9 मीटर तक, अराउंड अराउंड नैनोमीटर रेंज. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हमें साइज मेजर करना है या हमें देखना है, तो हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. SEM है या TEM है, इनकी हेल्प से देख सकते हैं. तो अभी हमें एक आइडिया हो गया कि हमारी ऑब्जेक्ट का लेंथ स्केल जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है. जस्ट टू अगेन मेक इट क्लियर, 1 मिलीमीटर जो है वो है 10^-3 मीटर, जो हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज या स्केल से. 1 माइक्रोमीटर, ये म्यू है, इसको म्यू बोलते हैं, माइक्रोमीटर है जो वो जिसको बोलते हैं 10, जो इक्वल होता है 10^-6 मीटर के, तो इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से मेजर कर सकते हैं. 1 नैनोमीटर NM, जो होता है 10^-9 मीटर, इसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है दैट इज इक्वल टू 10^-10 मीटर. ठीक है, तो ये हमें एक आइडिया हो गया कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनका लेंथ, उनका साइज क्या क्या हो सकता है, और हमें अगर उनको देखना है या उनको मेजर करना है उनका साइज, तो हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.